बाय बाय बाय। पंखे बंद होने दो फिर ब्लॉक करते हैं। स्ट्रगल मैं हो जा बंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का दिन काफ़ी अनसर्टेन है, मुझे खुद नहीं पता है कि आज क्या क्या करना है, क्योंकि दिल्ली में जितने काम थे छोटे मोटे बड़े सब हो चुके हैं और बस अब कहीं जाने की तैयारी है, लेकिन कब जाएंगे कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी टिकट करवाई नहीं है। तो आज का ब्लॉग मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बनाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, किसके साथ मिलूँगा, लेकिन इतना पक्का है जो भी बनाऊँगा बहुत अच्छा बनाऊँगा। और एक चीज़ और पक्की रहती है कि शाम को हम कुछ ना कुछ खाने जाते हैं। दिल्ली में आए और आप कुछ खाने ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता ना। आ लेवी ने हूँ नाम सानू न्यूस्पोरिन। अरे पण खोखू काम न हुआ, मैं मतलब भैणा खोखू ले जाऊ पड़े तो टिप ई ले जाए थे। आ लेवी ने बीजू बीजू और दांत में ब्रश करवानू। ओके। कितना भी पढ़ लो या कितना भी ग्रेजुएट हो जाओ, कितना भी एमबीए कर लो, के घर वाले आपको रैपर दे के ही बोलेंगे जा ये लेके आ, जैसे हमें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। और इस चीज की भी एक अलग खुशी होती है। एनीवेज, पहला कंटेंट मिलता हुआ दादी के थ्रू, दवाई लेने जानी है। भैया घर पे आया हूँ मैं। अरे बात तो करो। मम्मी कह रहे कोई लड़की वड़की ध्यान में है तो बता दे। बताओ क्या क्या करूँ, क्या मैं बताऊँ, कोई ऑप्शन है इसमें? मैं खुद इनकी भरोसे बैठा कि कोई हो तो बता दो भैया, ये कह रहे कि तू बता दे तेरे ध्यान में कोई हो तो। कहाँ चले गए? अंदर जाना पड़ेगा किचन में। बताओ मम्मी कह रहे कि झापट बाद में मारना, तुम पहले ये बता दो कौन नहीं है। मम्मी के स्टॉक में भी है दो तीन वैसे, लेकिन वो कह रहे कि पहले तू अपनी चॉइस बता फिर मैं बताऊंगा, मतलब मैं बताऊंगी। तो बताइए पहले आपको मेरी चॉइस सुननी है मम्मी की, कमेंट में बताना ठीक है। इसलिए पहले मम्मी की सुन लेते हैं फिर अपनी बताएंगे। अगर मम्मी वाली अच्छी होगी तो वही रख लेंगे, हमारी वाली अच्छी होगी तो हम अपनी वाली रख लेंगे। तो जनता जानना चाहती है आपके ध्यान में कौन कौन है। तुम कहते हो कि तुम घर वालों के साथ ब्लॉग नहीं बनाते। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई ब्लॉग्स, दे आर सोशल मीडिया कॉन्शियस, दे डोंट वॉन्ट टू बी डिस्प्ले देयर लाइफ ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब स्पेशली। देखो फिर भाग गए, गजब बेइज्जती है। तो मम्मी के साथ वार्तालाप करते करते मौसम इतना घना हो गया, इतना काला हो गया, ऐसा लग रहा था रात हो गई, फिर बारिश आई तो अब थोड़ा सा मौसम खुला है। बारिश में नहाने का तो मन है, लेकिन यार कपड़े गंदे हो जाएंगे, पर नहाना पड़ेगा, कपड़े उतारना पड़ेगा, आलस आएगा, इसलिए नहीं नहाना आज। थोड़ा सा तो नहा लिया ब्लॉग के चक्कर में। बाकी मैंने राजकोट के स्टेटस देखे काफ़ी लोगों के, बड़ी खतरनाक बारिश हो रही है भैया वहाँ पे। और किसी स्टेटस में लिखा था ऊपर से इंद्र, देश में नरेंद्र और गुजरात में भूपेंद्र, धूम मचा रहे। वाह मोदी जी वाह वाह। अरे एक जो बात बताने वाली है, मेरा पेट मेरे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा तेज ग्रो कर रहा है, मज़ा आया। तो भैया शाम होती हुई और हमारी वापसी भी होती हुई, और शाम होते ही दूध लेने जाना पड़ता है रोज़। और आज टोपी ऐसे ही पहन ली यार, काफ़ी दिनों से वो कोहली वाला लुक नहीं आ रहा था, पता नहीं अब आ रहा है नहीं आ रहा, बताना कमेंट में अगर आ रहा हो तो। तो भैया हम मौजूद हैं अपने दूसरे घर में। भैया आज एक भैया मिलने आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से मेरा भी मन था उनसे मिलने का, और होता क्या है दिल्ली में आता हूँ ना तो कहीं किसी से मिलने का प्लान होता भी है तो बन नहीं पाता है,
क्योंकि या तो मैं बिजी होता हूँ और वो बिजी होता है, और हम दोनों बिजी नहीं होते तो हमारी टाइमिंग मैच नहीं हो रही होती। और इस बार काफ़ी लोगों के साथ मिलना नहीं हो पाया टाइमिंग की वजह से, तो सॉरी भैया। बाकी एक भैया आ रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। ये हमारे क्या कहते हैं हॉलीडे में अक्षय कुमार लगता है ना, वैसे लग रहे भैया। क्या हाल है? बढ़िया। कुछ है नहीं देने के लिए, वो ट्रेंड चल रहा है ना अभी, फिर ऐसे हाथ खोलता है कॉन्डम निकलता है। तो भैया हम बैठे अभी जितेंद्र भाई के साथ, और ये भी अपने होम टाउन में नहीं है, ये वैसे जयपुर जोधपुर से है और यहाँ पे जॉब वॉब कर रहे हैं। आप बताओ लोगों को कि आसान नहीं होता? लोगों को बहुत अच्छी बात लगती है, राजकोट चला गया फुल मौज है, फुल पैसा उड़ रहा है। आशीष राजकोट गया है ना, तो वही जानता है। मैं जानता हूँ कि भैया क्या होता है, कैसे होता है, कितना बचता है, कैसे जिंदगी निकलती है। आप बताओ अपना थोड़ा। तो मिर्जापुर का एक डायलॉग है ना कि जिस इंसान पे बीतती है वही जानता है। जिस पे बीतती है ना वही जानता है। तो अगर आपको लगता बहुत हैप्पी होता है अकेले रहना, भैया 2 महीने लगता है उसके बाद। बाकी तो एक बार रहो तभी पता चलेगा, बोलने से तो कुछ पता नहीं चलेगा। 8 साल निकाल दिए हमने भी। भाई 8 साल से दिल्ली में अकेले है, फैमिली से दूर, तो मेरे से ज्यादा तो खतरनाक एक्सपीरियंस इनका होगा। दिल्ली में आने के बाद भैया वेटिंग लिस्ट खत्म ही नहीं होती है मेरी। अगर मैं 1 महीना लेके भी आऊँ ना, मजाक नहीं कर रहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो रोज कोई ना कोई मिलने वाला आता रहता है। मैं भी जब घर, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मेरा दिन मिलने का मन होता है। सबको मुझसे मिलना होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मेरा मिलने का मन होता है, एंड जितेंद्र भाई इज वन ऑफ देम। मैं भी जब घर पे जाता हूँ ना, मेरे घर वाले कहते हैं कि तेरे पैर घर में नहीं टिकते। वैसे ही आशीष के पैर कभी घर में नहीं टिकते जब वो वहाँ से राजकोट से दिल्ली आता है। अब भैया वहाँ देखो सुबह 8 से रात के 10 बजे तक काम करता है, तो वहाँ तो टिके रहते हैं। अब यहाँ है तो यहाँ खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे ना, थोड़ा भाभी भाभी से मिलना, बर्गर किंग KFC चलता रहता है। हम घूम फिर के फिर बर्गर किंग पे आ गए। कर लो भैया अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, खिलाना है ना खिला दो। वेज खाओगे नॉन वेज खाओगे बोलो, दुनिया जानना चाहती है। नो कमेंट्स। हम वेज ही खाएंगे आज, हम जो भी खाएंगे वो चुपचाप खाएंगे और बोलेंगे वेज खाया है। 2 दिन से भाई मेरे पैसे बच रहे हैं, कल किसी का बर्थडे था, आज आप आ गए। तो भैया 2-3 दिन से यही चल रहा है, फुल पैसा बच रहा है, क्योंकि मैंने तो आधी ट्रीट दे दी थी, कल किसी का बर्थडे था, आज भाई आ गए। लेकिन मैं भैया एक बात बता दूँ, मैं खाता उन्हीं का हूँ जिनको मैं खिला सकूँ, और आप भी ऐसे करो, अगर खिला सको तो ही सामने वाले का खाया करो। #friendship। आज की जो ट्रीट है वो है भैया की तरफ से। क्या कह रहे, राजकोट आके सब वसूल लूंगा। मैंने राजकोट में मिलने नहीं आना, दावेली वावेली में नहीं पड़ जाओगे। दावेली बहुत फेमस है, मैं अपना वैसे कहीं भी जाता हूँ तो पूरा फूड सेक्शन का मेन्यू तैयार करके चलता हूँ, आज मुझे ये खाना है, कल इतनी खानी है, मेरी तरह। और मैं दावेली का शेड्यूल बनाता हूँ, सुबह से रात तक मुझे कितनी खानी है। पूरी राजकोट ही खिला देंगे, लेकिन 2 दिन में भैया उब जाएंगे, मन बढ़ जाएगा। ऐसे कोई मुझे अंधेरे में देखेगा तो ये लगेगा कोहली खड़ा है कि नहीं? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो हर शाम की तरह आज शाम भी बर्गर किंग पे पेट पूजा हो गई। भैया बाइक लेने गए, आते हैं तो फिर उनको घर ले जाते हैं, फैमिली वैमिली से मिलवाते हैं यार। तो भैया हम दोनों ने घर पे खाना खाया, पहले बर्गर किंग भी खाया फिर घर पे खाया। मेरा पेट ऐसा हो रहा है जैसे ऑलमोस्ट मैं प्रेग्नेंट ही हूँ, भाई का भी 2-3 महीना चल रहा है वैसा हो रहा है। राजकोट भैया राजकोट। और कुछ बोलना चाहोगे? आशीष ने बहुत नाइंसाफी करी है। मैंने क्या नहीं अरे आशीष ने बहुत नाइंसाफी करी है। मतलब खाना नहीं था, अब घर पे ले गया तो घर वालों को हमने बताया नहीं कि हम बाहर खा के आए, अब घर वालों ने खाना भर भर के दे दिया। होता है ना मेहमान आते हैं तो भर भर के दे देते, खाओ 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 खाओ, और अब हम कम से कम 2 किलोमीटर घूम चुके लेकिन कोई असर नहीं हो रहा पेट में। थैंक यू, मिलते हैं आपको बाद में। तो भैया जितेंद्र भाई से आज मिलना हुआ और थोड़ा सा बाहर खाया, थोड़ा सा घर पे उन्होंने भोजन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जितेंद्र भाई। और आज हम दोनों के पेट फटने को हो रहा है, ओवर ईटिंग की भी एक लिमिट होती है ना, वो भी आज हमने क्रॉस कर दी है। ठीक है, तो वो अपने घर रवाना हो चुके, मैं अपने घर आ चुका हूँ, अब हम जाएंगे आउटगोइंग नेचर्स कॉल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अनसर्टेन व्लॉग। होपफुली इसमें भी मैंने कुछ फन एलिमेंट्स डालने की कोशिश करी है, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, आओ जो